दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जो महीने के आपको लाखों रुपए कमा के दे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप टायर का बिजनेस कैसे कर सकते हो। वही टायर्स जो बाइकों में इस्तेमाल होते हैं, कार में, ट्रकों में, बसों में, टम्पो में जो टायर इस्तेमाल होते हैं, उस टायर के बिजनेस के बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन हुआ था। अब लॉकडाउन हुआ हो चाहे कुछ भी हुआ हो, यहाँ पे गाड़ियों की संख्या कम नहीं हुई, काम नहीं रुका। देखिए, थोड़ी बहुत मंदी हर काम में आती है, लेकिन टायर के बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आ सकती। जैसे कि मैंने बताया, गाड़ियाँ हमेशा चलती रहेंगी और बिना पहिए के, बिना टायर के गाड़ी चल नहीं सकती। यह बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। और तो और, दिन प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, जब गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, गाड़ी ज्यादा से ज्यादा बनेगी, तो टायर उतने ही ज्यादा उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि बिना टायर के कोई गाड़ी चल नहीं सकती, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप किसी भी बड़े शहर में कर सकते हो, किसी भी छोटे शहर में कर सकते हो, कहीं भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वो धीरे धीरे घिस जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको बदला जाता है, उनको रिपेयर किया जाता है। टायर कभी भी फट जाते हैं, टायर कभी भी पंचर हो जाते हैं, तो ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है। जहाँ पे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पे कार की संख्या भी ज़्यादा होगी, और वहाँ पे जो है टायर का बिजनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मौसम बदल रहा है तो गाड़ियाँ जो है नहीं खरीदी जाएंगी, बारिश हो रही है तो गाड़ी नहीं खरीदी जाएंगी, टायर्स नहीं खरीदे जाएंगे, टायर्स नहीं बदले जाएंगे, और टायर कभी फटेंगे नहीं, कभी रिपेयर नहीं किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो है ये बिजनेस बहुत ही तेजी से चलने वाला बिजनेस है। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैं बात आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सब्र करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में सेटअप करने में ही लगभग 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने के बाद ये बिजनेस बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और आपको अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा के देने लगता है। कमाई तो इसमें दोस्तों 2-4 दिनों में ही शुरू हो जाती है, लेकिन 3 महीने तक धीरे धीरे कमाई होती है, और 3 महीने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें कमाई होने लग जाती है, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 महीने का समय ये लेता है बिजनेस सेटअप होने में। वैसे तो हर एक बिजनेस सेटअप होने में समय लेता है, कुछ बिजनेस थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं, कुछ बिजनेस थोड़ा कम समय लेते हैं, कुछ बिजनेस पहले दिन से ही धड़ल्ले से चलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आपको 2-2.5 या 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है, और ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है आपका ये बिजनेस 1 महीने बाद बहुत तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन लमसम इसमें 3 महीने का समय तो लगता ही है इसको सेटअप होने में। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करोगे। देखिए दोस्तों, टायर के बिजनेस को शुरू करने के लिए ना हम 2 तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी कंपनी की ना डीलरशिप ले लो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, या फिर एजेंसी ले लो, तीनों में से कुछ भी लेकर के आप टायर का बिजनेस कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ ऐसी कंपनियों के नाम बताऊंगा जो बहुत ही फेमस कंपनी है, जो टायर बेचती है, टायर बेचने वाली कंपनियों के नाम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा JK टायर्स का, उसके बाद हो गया आपका MRF, फिर उसके बाद हो गया अपोलो टायर्स, C8 हो गया, गुडियर हो गया। ये 4-5 बहुत ही फेमस कंपनी है जो टायर बनाने का काम करती है, टायर बेचने का काम करती है। तो ये सभी कंपनी जो है एजेंसी वगैरह प्रोवाइड कराती है, तो आप इन्हीं कंपनियों में से जो है एजेंसी वगैरह लेकर के अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एजेंसी लेने का फायदा मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ही फेमस कंपनी है, इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, पहले से बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है। तो जब आप इनकी एजेंसी लेकर के काम शुरू करोगे, तो पहले दिन से ही आपका काम शुरू हो जाएगा, पहले दिन से ही आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही ये जो है फेमस कंपनी है। तो जाहिर सी बात है, फेमस कंपनी का ही
सामान पहले बिकता है मार्केट में, चाहे उसका कोई भी प्राइस हो, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी की चीज़ काफ़ी अच्छी होती है तो अच्छी चीज़ को ही लेना पसंद करते हैं लोग, चाहे उसके लिए थोड़ा ज़्यादा वो लोग खर्चा करें, लेकिन लोगों को अच्छी चीज़ चाहिए होती है। तो इसीलिए आप जो है एजेंसी लेकर के अपना बिजनेस पहले दिन से ही शुरू कर सकते हो और अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा तरीका बताता हूँ पैसा कमाने का, मेरा मतलब है टायर के बिजनेस में पैसा कमाने का दूसरा तरीका। जैसे कि आपने अपना कोई रिटेल स्टोर खोल लिया, पहले तो मैंने आपको एजेंसी के बारे में बताया था, अब मैं आपको स्टोर के बारे में बताता हूँ। इसमें आप अपना खुद का रिटेल स्टोर भी खोल सकते हो। रिटेल स्टोर खोलने के बाद आपको क्या करना है, जो ओपन मार्केट होती है ना, ओपन मार्केट का मतलब जो खुली मार्केट जो होती है, खुला बाजार, जहाँ पे अलग अलग प्रकार का सामान मिलता है, तो मतलब मार्केट में जो होलसेल मार्केट होती है, बड़ी बड़ी जो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट होती है, जो कई कई किलोमीटर तक फैली हुई होती है, 10-10 किलोमीटर के दायरे में, 20-20 किलोमीटर के दायरे में जो फैली होती है, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट में, उसको हम लोग जो है ओपन मार्केट कहते हैं। तो वहाँ पे टायर का सामान मिलता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी मार्केट में ना देखो ब्रांडेड सामान भी मिलता है और लोकल सामान भी मिलता है। अब हर चीज़ में ब्रांडेड और लोकल दोनों जो है चीज़ें, दोनों कैटेगरी होती है। यहाँ पे टायर में भी आपको ब्रांडेड टायर मिल जाएंगे, जैसे भी अभी मैंने आपको कंपनी के नाम बताए, और लोकल टायर्स भी मिल जाएंगे। तो ओपन मार्केट में मतलब मार्केट के अंदर आपको जो है माल उठाना है बल्क में, आप डायरेक्टली जो है कंपनी का भी माल उठा सकते हो। मतलब अगर आप अपने रिटेल शॉप पर टायर का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप ब्रांडेड माल भी उठा सकते हो और लोकल माल भी उठा सकते हो, मतलब खरीद सकते हो और उसको रिटेल करके बेच सकते हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि ये जो टायर्स हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब एजेंसी लेकर के ही हम लोग बेच सकते हैं, हम रिटेल शॉप पे भी टायर्स को बेच सकते हैं, वहाँ पे ब्रांडेड माल भी बेच सकते हैं और लोकल माल भी हम लोग बेच सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई ब्रांडेड लेता है, जिनका बजट कम होता है वो लोकल से भी अपना काम चलाता है, मतलब लोकल सामान लगवा के भी वो अपना काम चला लेता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करोगे। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब जब हम टायर का बिजनेस करते हैं तो शुरू शुरू में हमें थोड़ा मुश्किल पड़ता है, मतलब और बिजनेस के मुकाबले टायर के बिजनेस में आपको थोड़ा सा शुरू शुरू में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे ना प्रोडक्ट की पहचान करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे आपको पहले प्रोडक्ट की पहचान करनी आनी चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए, तभी आप टायर के बिजनेस में घुसिए, वरना बिना एक्सपीरियंस लिए आप टायर के बिजनेस में मत घुसिए, वरना आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा लॉस भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ना सबसे पहले आपको अपने आसपास के एरिया का सर्वे करके चलना पड़ेगा, आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके एरिए में कौन कौन सी गाड़ियां चल रही हैं, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, जो लोग हैं वो कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, किस तरह के लोग हैं, किस थिंकिंग के लोग हैं, क्या सोच रखने वाले लोग हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है मार्केटिंग के दौरान पता करनी पड़ेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बिजनेस को करने के लिए, मतलब बिजनेस को करने के लिए हमें बिहेवियर को जानना होता है कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने बिजनेस को मैनेज कर पाते हैं। देखिए बिजनेस की शुरुआत तो किसी भी तरह से हो जाती है और कहीं से भी हो जाती है, लेकिन हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसको खरीदने वाले जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो करते क्या हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पहले ही जानकारी लेनी होती है इस चीज़ की। दोस्तों इसको मैं ना एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान में ना बोलेरो गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ के लोग बोलेरो गाड़ी ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो बोलेरो गाड़ी में जो टायर्स लगते हैं उसके हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि राजस्थान में चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं उसमें लगने वाले टायर्स कौन से हैं, मतलब कौन सी गाड़ी है और जिस गाड़ी में आप जो है टायर वगैरह लगाओगे या लगवाओगे, इस हिसाब से आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी सिटी में कौन सी कार ज़्यादा चलती है, बसेस कहाँ ज़्यादा चलती है, गाड़ियाँ कहाँ ज़्यादा, मतलब टेम्पू ट्रक ये सब कहाँ ज़्यादा चलते हैं, कार का इस्तेमाल कहाँ पे ज़्यादा होता है, कार वगैरह कहाँ ज़्यादा चलती है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। अब आपका राजस्थान में बोलेरो के अलावा फॉर्चूनर भी चलती है, स्कॉर्पियो भी चलती है, और एक आपकी स्विफ्ट डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा चलती है, राजस्थान में, मतलब आपको मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये 4-5 कैटेगरी की जो गाड़ियाँ हैं राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा चलती हैं। अब जैसे मान के चलो अगर आप राजस्थान से हो
तो आप ज्यादातर जो है इन्हीं गाड़ी के टायर्स रखना पसंद करोगे, इन्हीं गाड़ियों के टायर्स बेचना पसंद करोगे, क्योंकि जब राजस्थान में ये 4-5 गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही हैं तो जाहिर सी बात है उसी के टायर्स आप रखना पसंद करोगे, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। तो ऐसे ही आप जिस भी सिटी से हो और आपकी सिटी में जो गाड़ियां सबसे ज्यादा चल रही हैं आपके आसपास के एरिया में, तो उस हिसाब से ही आपको टायर्स रखने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं कि आप मिक्स रख लोगे, मतलब जिस एरिया में जिस टायर की रिक्वायरमेंट नहीं है आप वो भी रखोगे तो आपको फिर लॉस होगा, वो बिकेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे लॉस खाना पड़ेगा ना फिर। अब जैसे मैं गुजरात की बात करूँ या सूरत की बात करूँ या फिर अहमदाबाद की बात करूँ, तो इन शहरों में ओडी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ओडी कार ज़्यादा चलती है, i20 बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ पे स्विफ्ट डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा चलती है, i10 भी काफ़ी ज़्यादा चलती है, होंडई कंपनी की गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, या फिर आपका जो वॉक्स वैगन है उसकी गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। फिर आपको उसी के हिसाब से जो है टायर्स वहाँ पे बेचने होंगे अगर आप उस शहर में रहते हो तो। अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं। मतलब आप किसी भी छोटे बड़े शहर में रहते हो तो आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से आपके एरिए में जो लोग हैं, जो गाड़ियाँ वो चला रहे हैं, उसमें लगने वाले टायर्स कौन से हैं, कौन सी गाड़ियां चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको माल रखना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रांड नेम जानने की भी जरूरत है, आपको ब्रांड का भी पता करना पड़ेगा कि कौन से ब्रांड की गाड़ी खरीदना चलाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग मतलब अलग अलग ब्रांड की कार को चलाना लोग पसंद करते हैं, अलग अलग ब्रांड की कंपनी के टायर्स लगवाना जो है लोग पसंद करते हैं, तो उस चीज़ पे भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कहीं तो MRF टायर्स ज़्यादा चलते हैं, कहीं पे C8 के टायर्स ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि लोग चेंज भी कराते रहते हैं ना, अलग अलग कंपनी के लगवाते रहते हैं। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि एक ही कंपनी के टायर लगेंगे, क्योंकि टायर बनाने वाली कंपनी तो मल्टीपल है, तो इसीलिए उस हिसाब से लोग जो है अलग अलग जो है कंपनी के टायर्स भी ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि टायर फटते रहते हैं, पंचर होते रहते हैं, घिसते रहते हैं, उनको चेंज भी कराना होता है, तो लोग अलग अलग कंपनी के टायर को इस्तेमाल करके चेक भी करते रहते हैं। तो इसीलिए आपको मल्टीपल कंपनी के टायर्स भी रखने पड़ेंगे। तो मतलब वो तो सर्वे के अकॉर्डिंग आप रखोगे तो उसके हिसाब से आप जो है करोगे। दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात ये भी है कि आपके जो एरिए में जो मैकेनिक है, जो कार मैकेनिक है, मतलब जो मैकेनिक जो होते हैं उनसे आपको बातचीत करनी पड़ेगी, अलग अलग मैकेनिक से अलग अलग प्रकार से आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई उनके पास किस तरह का काम आता है, मतलब कि टायर पंचर का ज़्यादा काम आता है या टायर को चेंज करने का ज़्यादा काम आता है, कौन कौन सी कार उनके पास आती है, कौन कौन सी गाड़ी लोग लेकर के उनके पास आते हैं, किस किस काम के लिए आते हैं, ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बातें सर्वे में ये सारी चीज़ें होती हैं और हम जो भी मार्केटिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनमें सारी चीज़ों को पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप ये पता कर पाओगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बिजनेस का सेटअप कर पाओगे, यानी यहाँ से हमें बूस्टअप मिलेगा, यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा, तभी तो आप अपना बिजनेस कर पाओगे ना, क्योंकि हर तरह से हमें बिजनेस को करने के लिए हर तरह से हमें जो है रिसर्च करनी पड़ती है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता करना पड़ेगा, वो जो मैकेनिक हैं उनसे आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनी के टायर लगवाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे भी आपको जो है आइडिया मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स तो डायरेक्टली आपके पास आएंगे आपसे काम करवाने या खरीदारी करने, और बहुत सारे कस्टमर जो है मैकेनिक के थ्रू भी आते हैं, तो मैकेनिक जो है उनको सजेस्ट करता है कि आपको कौन सी कंपनी के टायर लगवाने चाहिए। जाहिर सी बातें लोगों को पता तो होता नहीं है, जब वो कार की खरीदारी करते हैं, अपनी गाड़ी की खरीदारी करते हैं, तो उनको कार के बारे में ही ठीक से नहीं पता होता, तो टायर्स की तो बहुत दूर की बात है। जब तक कोई किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर लेगा उसके बारे में वो नहीं जान सकता। हाँ, थोड़ी बहुत नॉलेज वो पहले लेकर के चलता है, लेकिन जब तक वो पर्सनली उस चीज़ को नहीं इस्तेमाल करता तब तक उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग 90% लोग मैकेनिक से ही पूछते हैं कि भैया कौन सी कंपनी की कार लेनी चाहिए, कौन सी कंपनी के टायर लेने चाहिए या लगवाने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब इसमें इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होता है और कितना होता है, देखिए यहाँ पे ना दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है, दो तरह से यहाँ पे आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टायर के बिजनेस को करने के लिए। जैसे दोस्तों अगर आप किसी बड़ी कंपनी की एजेंसी लेते हो तो उसमें जो है ना आपका दो तरह से पैसा जाएगा, दो तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे लगेगी। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा ब्रांड की सिक्योरिटी में, जो कि 5-7 लाख रुपए तक जा सकता है।
मतलब कि आपको सिक्योरिटी जमा करानी होती है शुरू शुरू में। देखो होता है ना, ये चीज़ तो आपको भी पता होगी, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी चीज़ की खरीदारी करने के लिए हमें सिक्योरिटी जमा करानी होती है। और जो दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा वो लगेगा आपके शोरूम में और मशीन में, मतलब शोरूम जो आप खोलोगे उसमें मशीनें जो आप लगाओगे उसमें आपका अलग से इन्वेस्टमेंट लगेगा, जिसकी कॉस्ट होगी 7 से लेकर 10 लाख रुपए तक की। आपका सिक्योरिटी में जमा होगा 5 से 7 लाख और बाकी के चीज़ों में आपका जो है पैसा लगेगा वो लगेगा 7 से 10 लाख रुपए। शोरूम में और मशीन में आपका पैसा कुछ इस प्रकार से लगेगा, जैसे मतलब आपका जो शोरूम है आपको अपने शोरूम को डेकोरेट करना पड़ेगा, उसमें फर्नीचर लगेगा, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रकार से सामान आपको रखना होगा, उसमें खर्चा आएगा। मशीन में आपको मतलब कि टायर को रिपेयर करने की मशीन हो गई, और टायर में मतलब जैसे टायर को चेक करने की मशीन होती है, टायर को चेक करने की भी मशीन होती है, उस मशीन में आपका खर्चा आएगा। अलग अलग प्रकार की मशीनों में खर्चा आता है, हवा वगैरह भरने की मशीन भी होती है उसमें खर्चा हो गया, तो कुछ 2-4-5 मशीनें होती है वहाँ पर खर्चा आता है, और आपका जो है शोरूम में खर्चा आता है, शोरूम को सेटअप करने का खर्चा। और अलग अलग प्रकार के टूल्स होते हैं जहाँ पे जो गाड़ियों का शोरूम होता है, टायर का शोरूम होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी मशीनें होती है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज होती है, उन सब में खर्चा आता है, क्योंकि कार की बहुत सारी एक्सेसरीज भी होती है ना। अब आप जैसे टायर बेचते हो अलग अलग कंपनी के, अलग अलग ब्रांड के, तो ऐसे थोड़ी कि सिर्फ टायर ही बेचोगे, मतलब जो गाड़ी चलाता होगा वो सिर्फ टायर ही थोड़ी खरीदेगा भाई, उसको और भी चीज़ खरीदनी पड़ सकती है, तो वो बाकी की चीज़ें भी तो खरीदेगा ना, तो उससे अच्छा है कि आप ही प्रोवाइड करा दो उन्हें, तो आपकी यहाँ पे और ज़्यादा बिक्री हो जाएगी, और ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका लगा वो लगा लगभग 15 लाख से 20 लाख रुपए तक का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा एक टायर के बिजनेस को शुरू करने के लिए। अगर आप मार्केट में कोई रिटेल स्टोर खोलते हो टायर के बिजनेस का, तो वहां भी आपका 8 से लेकर 10 लाख रुपए का खर्चा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको अपने रिटेल स्टोर में माल भरना पड़ेगा, सभी टूल्स भरने पड़ेंगे, एक्सेसरीज भरनी पड़ेगी, टायर्स भरने पड़ेंगे, ब्रांडेड टायर्स भी रखने पड़ेंगे, लोकल टायर्स भी रखने पड़ेंगे, कुछ काफी सस्ते भी आते हैं, 3,000 का टायर भी आता है, 10,000 का भी टायर आता है, 20,000 का भी एक सिंगल टायर आता है, तो सोचो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो काफी लगने वाला है, है ना। बहुत ये टायर्स भी बड़े महंगे महंगे आते हैं, सस्ते नहीं आते, कोई 1,500 में टायर नहीं आता। यहाँ जो बाइकों के भी टायर्स जो हैं वो भी महंगे आते हैं, बाइक के टायर भी महंगे आते हैं, गाड़ियों के तो और महंगे आते हैं, जैसे मैंने बताया कि टायर की कीमत 15,000-20,000 तक होती है। तो आपको यहाँ पे हर तरह के टायर रखने पड़ेंगे, साइकिल के टायर से लेकर गाड़ी तक के टायर रखने पड़ेंगे आपको, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपकी मार्केट के ऊपर, मतलब कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रखोगे ना चीज़। जब ही तो मैंने आपको बताया कि आपको सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि भैया जिस मार्केट में आपने दुकान खोली है, जिस मार्केट में, जिस भी जगह पे आपने एजेंसी खोली है, वहाँ पे खरीदने वाले लोगों को क्या क्या चाहिए। साइकिल के टायर चाहिए, बाइक के टायर चाहिए, गाड़ी के, ट्रकों के, टम्पों के, बसों के। दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। सभी का सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि भैया प्रॉफिट कितना होगा, कितना कमाई होगी वहाँ पे, मतलब कितनी कमाई उसमें आप निकाल सकते हो, बना सकते हो। तो दोस्तों ये प्रॉफिट मार्जिन आपकी खरीदारी पर डिपेंड करता है, मतलब सबसे ज़्यादा खरीदारी पे डिपेंड करता है, और दूसरा मैनेजिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, किस तरह से आप बचत कर रहे हो, किस तरह से आप खरीदारी कर रहे हो। कहने का मतलब है जितना सामान सस्ता आपको पड़ेगा उसी हिसाब से आप जो है बेचोगे, जितना महंगा पड़ेगा उतना महंगा बेचोगे, क्योंकि आपको अपना बचत भी तो करना है ना उसमें। अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपये की आप लेकर के आए तो आप उसको कम से कम 15 की बेचोगे, 100 रुपये की लेके आए तो कम से कम 125 की बेचना पसंद करोगे, अगर कोई चीज़ आप 1,000 रुपये की लेके आए तो कम से कम 1,200 की बेचोगे, मतलब 200 रुपये तो बचाओगे ना उसमें। तो इस हिसाब से आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो लमसम इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो आप 25% तक का प्रॉफिट इसमें निकाल सकते हो, 25% 30% 40% भी आप इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है ना ये आपके मतलब खरीदारी और आपकी मैनेजिंग पे डिपेंड करता है, किस तरह से आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, क्योंकि कहीं पे कम बचेगा, कहीं पे ज़्यादा बचेगा, तो उसी हिसाब से हमें प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट मार्जिन
उसी हिसाब से निकलता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई हो और ये बिजनेस अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई मैं आपको अगले 24 घंटे में दे दूंगा। ऐसे बिजनेस से जुड़ी और भी वीडियोज अगर आप चाहते हो, अलग अलग चीजों पे वीडियोज चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली वीडियो पोस्ट करता हूँ। कब कौन से बिजनेस से आपकी किस्मत चमक जाए ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।